नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जो हम सीरीज शुरू कर रहे थे गवर्नमेंट स्कीम की, भारत सरकार द्वारा जो भी स्कीमें चलाई जा रही हैं उसकी हमने सीरीज शुरू किया था, इसका दूसरा पार्ट आप लोगों के सामने है। ये मेरा चैनल है मिशन स्टडी पॉइंट, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है पीएम किसान, पीएम किसान यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं, समय न गवाते हुए हम अपने टॉपिक के बारे में, अपने एजुकेशन के बारे में और हमारा जो रेलेवेंट है इसके बारे में हम देखते हैं। तो आइए चलते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की योजना है, आप लोग यहाँ देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की योजना है। इस योजना को 24 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था, फिर स्टार्ट किया गया था और इसका जो ऑपरेशनलाइज किया गया था उसे 1 दिसंबर 2018 को किया गया था। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये योजना बाद पहले मतलब बाद में लॉन्च हुई थी और उसको ऑपरेशनलाइज पहले किया गया था, मतलब फरवरी में हुई थी और दिसंबर से इसको इंक्लूड किया गया था। तो थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि जो योजना है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत आती है और इस समय भारत सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के जो मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप लोग जानते हैं, इनके तत्वाधान में काम हो रहा है ये सब चीज़ें। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब देखिए, पहला जो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम, यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम जो आप लोग देखिए, ये भारत में प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि किसान सम्मान निधि योजना है, एक तरीके की यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम की पहली योजना है ये, पहली फर्स्ट यूनिवर्सल बेसिक इनकम की। और ये जो टारगेट करती है फार्मर को करती है। थोड़ा सा यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में जान लेते हैं। एक देश या अन्य किसी भौगोलिक क्षेत्र के सभी नागरिकों को उनकी आय रोजगार स्थिति की परवाह किए बिना धन के साथ राशि प्रदान करने का एक मॉडल है। यूपीआई का उद्देश्य है गरीबी को रोकना, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, गरीबी को रोकना या कम करना और नागरिकों को समानता, नागरिकों में समानता बढ़ाना, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मेन मकसद क्या है और जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना किसान सम्मान निधि योजना है, ये पहली जो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम की स्कीम है जो अभी मेन रूप से खाली केवल फार्मर को ही टारगेट कर रही है और किसी को नहीं टारगेट कर रही है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा इसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, ऑब्जेक्टिव जो है प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये देखिए, टू प्रोवाइड द इनकम सपोर्ट ऑफ ऑल स्मॉल लैंड लैंड होल्डिंग फार्मर, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर को ये सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। दूसरा क्या है, जो टू सपोर्ट द फाइनेंशियल नीड टू फार्मर टू इन प्रोक्योरिंग एंड वेरियस इनपुट ऑफ इंश्योर द प्रॉपर हेल्थ एंड अप्रोप्रिएट। अब देखिए, ये ऐसा फाइनेंशियल सपोर्ट उसमें प्रोवाइड कर रही है जिससे वो अपने ज़रूरतमंद चीज़ों को प्रोक्योर कर सकें और पैदावार को सुनिश्चित कर सकें। मान लीजिए कि किसानों को 6,000 रुपये चाहे दो भी जितना भी इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, अगर मान लीजिए उनको कोई कीटनाशक दवा खरीदनी है कि या फिर यूरिया खरीदनी है, तो ऑन द स्पॉट अगर मान लीजिए किसानों के पास कुछ भी पैसा नहीं है, मगर ये जो सपोर्ट है प्रधानमंत्री सम्मान किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो 6,000 रुपये का मिल रहा है उससे वो अपनी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, किसान कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में और मैं आप लोगों को बता दें, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेक्टर स्कीम है जिसमें 100% जो ओन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, मतलब इसमें जितना भी एक्सपेंडिचर होगा वो भारत सरकार देगी। थोड़ा सा इसके साइलेंट फीचर के बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए, जो स्कीमें हैं भारत सरकार द्वारा दो तरह की स्कीमें चलाई जाती हैं, आप लोगों को मालूम है। पहली एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसमें कुछ हिस्सा राज्यों का भी होता है, कुछ और मेजर पोर्शन जो होता है वो केंद्र सरकार का होता है, जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं। और दूसरी जो एक स्कीम है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है जिसमें 100% ए सेंट्रल गवर्नमेंट ही या फिर भारत सरकार ही करती है। अब देखिए, इसके जो साइलेंट फीचर है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। इसमें 6,000 का इनकम सपोर्ट हर साल किसानों को दिया जाएगा, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो है इक्वल अमाउंट में दो दो हज़ार करके, तीन इक्वल अमाउंट में दिया जाएगा, तीन इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, दो दो हज़ार करके हर 4 महीने पर, हर 4 महीने पर दो दो हज़ार करके किसानों के
अकाउंट में सीधे सीधे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और इसका जो मॉडल है, इसमें जो फंड प्रोवाइड करना है या फंड जो भी किसानों को दिया जा रहा है, वो हमारा डायरेक्ट बेनिफिशियरी अकाउंट में या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत, डीबीटी के तहत इसको भेजा जा रहा है, जिसके सीधे सीधे वहाँ से, मान लीजिए कि केंद्र सरकार वहाँ से पैसे को एग्जीक्यूट करती है और बैंक सीधे उसके अकाउंट में भेज देगी। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसके बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, तो इसमें थोड़ा करप्शन वगैरह या फिर जो भी मतलब अनवांटेड चीज़ें हैं उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। उसके बाद जो हमारा अगला थोड़ा सा उसमें साइलेंट फीचर ये है कि जो भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो भी बेनिफिशियरी हैं, उनको सबको किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, जिससे ये लोग इजीली बैंकों से लोन ले सकेंगे। और अब देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड देने का जो मेन मकसद है, उसमें देखिए किसान क्रेडिट कार्ड देने का मकसद है कि ये इमीडिएटली बैंक से लोन ले लेंगे और ले के कुछ मतलब अपना, मान लीजिए कुछ नया करना चाहते हैं, कोई टेक्नोलॉजी है उसे अपने खेती में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये आराम से ये लोग वहाँ से पैसा प्रोक्योर करके वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो बेनिफिशियरी है उसको आइडेंटिफाई करने का, आइडेंटिफिकेशन का जो काम है वो राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों पर है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों पर है, आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो अब उसके बाद चलते हैं, अब इसका देखिए क्या ज़रूरत पड़ गई, इशू दैट नीड टू एड्रेस, मतलब इसको इम्प्लीमेंट करने की, प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना को इम्प्लीमेंट करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो देखिए, इसकी जो ज़रूरत पड़ी, पहला जो वोलेटाइल ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट, देखिए जो भी कृषि बाजार है काफ़ी ज़्यादा अस्थिर है, दामों में ऊपर नीचे चढ़ाव उतराव होते रहते हैं, एमएसपी लगी है उसके बाद भी, तो एक मेन रीज़न ये था। दूसरा जो था, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए, जैसे प्रोसेसिंग प्लांट है, मान लीजिए किसान कोई भी खेती करता है जो फूड से रिलेटेड, तो उसमें जो भी प्रोसेसिंग प्लांट हैं या फिर कुछ भी कह सकते हैं, प्रोसेसिंग प्लांट इन मार्केट, ई मार्केट, जहाँ पे किसान अपना इजीली अपने सामान को बेच सके, उसकी मतलब अभी बहुत ज़्यादा भारत में अधिकता नहीं हुई है और एक्सेसिबिलिटी नहीं हुई है, जिसे किसान इजीली मार्केट से कनेक्ट हो सके। तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इसको इम्प्लीमेंट किया गया। दूसरा जो है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी। मान लीजिए कि किसान जो भी हमारा प्रोसेसिंग वगैरह जो भी छोटे लेवल पे या फिर बड़े लेवल पर भी हो रही है, या फिर जो भी फूड ग्रेन हमारे निकल रहे हैं उसका एक्सपोर्ट जो हो रहा है, उसकी पॉलिसी अभी इतनी एडुक्वेट नहीं है जिससे हमारे सामान को या फिर हमारे अनाज को बाहर भेजा जा सके। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कि ये सक्सेस होने का, देखिए पीएम किसान जो है काफ़ी ज़्यादा सक्सेस है, सक्सेस होने के दो कारण हैं। डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र, देखिए डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र में नो करप्शन, नो करप्शन, कोई करप्शन नहीं है, ठीक है, कोई करप्शन नहीं, कोई बिचौलिया नहीं है, सीधे सीधे बेनिफिशियरी के अकाउंट में जो भी 6,000 रुपये हैं, 3 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हज़ार करके उनके अकाउंट में चले जाते हैं। दूसरा जो है, डिजिटाइज रिकॉर्ड ऑफ बेनिफिशियरी। देखिए अब इसमें जो राज्य सरकारें हैं जिनको इनको बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करना था, वो पूरा का पूरा इनका रिकॉर्ड जो है डिजिटाइज है। आप लोग इसको ध्यान रखें, पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है डिजिटाइज है, जिससे इसमें झोल झाल या फिर कह सकते हैं कुछ भी गलती होने के या फिर कुछ भी डिफॉल्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये एक सक्सेस होने का इसका फैक्टर है। थोड़ा सा इसके बारे में और आगे जानते हैं कि इसके बाद जो भी मतलब अदर राज्यों में ऐसी सिमिलर स्कीमें कौन कौन सी थे। तो देखिए, तेलंगाना में रायतु बंधु चलती है, जिसमें 4,000 रुपये पर एकड़ पर किसान पर सीजन में प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, रायतु बंधु, तो एक तेलंगाना सरकार का इनिशिएटिव है। और एक है कालिया, कालिया जो है उड़ीसा सरकार की है, जिसमें 5,000 फार्मर फैमिली को दिया जाता है 5 सीजन तक। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और कालिया जो है उसका देखिए आप यहाँ पे कृषक असिस्टेंट फॉर लेवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन स्कीम, इसको ध्यान रखिएगा, पूरा नाम कहीं भी अगर मान लीजिए कि पूछ दिया एग्जामों में, तो इसका पूरा नाम आप लोग बता देंगे,
उसके बाद दोस्तों ये है हमारे वीडियो का अंत। अगर आप लोगों को वीडियो अगर हमारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ आगे फॉरवर्ड करें। दोस्तों मैं इतना एश्योर कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट स्कीमों की जो मेजर मेजर स्कीमें हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और ज़्यादा न्यूज में रहती हैं, उन सबको मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा। ये हमारी दूसरी थी, आगे भी तीसरी आएगी, चौथी आएगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।